बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज का पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। डीपीओ बिलाल इफ्तिहार की हदायत पर रकेत गैंग के खिलाफ मवस्तर कार्रवाइयां जारी। थाना सिटी सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल इसराही सरगर्म खतरनाक रकेत गैंग नौसरबाज के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 3.5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। सऊदी अरब से अहम खबर शामिल करें। सऊदी अरब के शहर अल खबर में कम्युनिटी के लोगों ने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें अल खबर चौतन कंपनी डीलरशिप ऑनर मलक मोहम्मद अनवर आवान ने खसूसी शिरकत की और सियासी समाजी मजहबी जमातों और कारोबारी शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तबादला ख्याल किया गया और आखिर में उम्मत मुस्लिमा के ये रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में कोरोना वायरस की वबा के लिए खासूसी दुआएं की गईं। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की तहसील बुरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बुरेवाला में कायम कोरोना वार्ड का अचानक विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट के विहाड़ी की तहसील बुरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बुरेवाला में कायम कोरोना वार्ड का अचानक विजिट किया और वहाँ फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया और MSTH डॉक्टर इमरान भट्टी ने कोरोना वार्ड के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला उमर फारूक को ब्रीफिंग दी और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला उमर फारूक ने हदायत देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए तमाम सहूलियात मुकम्मल होनी चाहिए। अबरू करते हैं उकाड़ा का, रिपोर्ट कर रहे हैं डीपी ब्यूरो चीफ पाकिस्तान सीद मजर अली शाह। उकाड़ा थाना सदर उकाड़ा पुलिस की कार्रवाई गुज़श्ता दिनों फायरिंग करके खौफो हिरास फैलाने वाला मसूद शफकत जुबैर के दो साथियों समेत हेड मनी वाला एक बदनामी जमाना इश्तहारी मुजरम गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा भी बरामद। SHO थाना सदर उकाड़ा थाना मोहम्मद इमरान टीपू ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मियां अब्दुल रशीद बूटी पर हमला के नतीजे में दर्ज होने वाले मुकदमात में मसूद शफकत जुबैरा का कज़न रावल वल्त मोहसन हयात जुबैरा और एक साथी अंसर रजा को गिरफ्तार करते हुए कलाशनकोफ भी बरामद कर ली है। सियारकोट थाना रंगपुरा के इलाका कमिश्नर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक माफिया के सादक गुंडों का शहरियों पर तशद्दुद। दो अफराद शदीद जख्मी हुए। दुकानदार के शीशे तोड़ दिए गए। ताजर बरादरी का इलेक्ट्रॉनिक्स माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। अरबाब इख्तियार से कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर रोड के दुकानदार नवीद ने केलानी इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 माह कबल किस्तों पर मोबाइल लिया था। कोरोना में कारोबार की कमी बेशी की वजह से माहाना किस्त 6 दिन लेट हो गई, जिस पे केलानी इलेक्ट्रॉनिक्स के घुंडे राना आतिफ और खिजर और 4 कुछ नामालूम अफराद ने कमिश्नर रोड दुकान पर आ गए और नवीद को अगवा करने की कोशिश की। भाई इम्तियाज़ उर्फ बिल्ला ने मजम्मत की तो मुलजमान अल्ताफ वगैरह ने दस्ती ईंटों मुक्कों से तशद्दुद किया और दुकान के शीशे तोड़ दिए। ब्यूरो चीफ पाकिस्तान राणा नदीम बब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह। CPO मोहम्मद एहसन यूनस की हदायत के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस के मसाजिद और इमामबाग गाहों पर मौसर सिक्योरिटी इंतजाम, फील्ड अफसरान पॉइंट्स और पेट्रोलिंग ड्यूटीज को चेक और ब्रीफिंग कर रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस शहरों की हिफाजत के लिए तंदी के साथ सरगर्म अमल है। ब्यूरो चीफ पाकिस्तान राणा नदीम बब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा फैसलाबाद पुल से 35 साल शख्स ने नहर लोहरबारी तोआब में छलांग लगा दी। रेस्क्यू वर्मेटूटो के मुताबिक 35 साल शख्स ने घरेलू झगड़े के बाद खुदकुशी करने के लिए नहर में छलांग लगाई। इतना मिलने पर रेस्क्यू वर्मेटूटो के एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल 5 मिनट को के क्विक रिस्पॉन्स टाइम में चाय हादसा पर पहुँच गई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए खुदकुशी करने वाले शख्स को नहर से बाहिफाजत निकाल लिया। अब खबर शामिल करते हैं जिला रहीम यार खान से। जिला इंतजामिया का पाक आर्मी पुलिस महकमा सेहत रेस्क्यू वर्मेटूटो समेत थीकर कानून नाफिज करने वाले इदारे और इनके हमराह शहर में फ्लैग मार्च, जिसका मकसद हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरों को वबाई मर्ज कोरोना वायरस से महफूज करने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम और इंसदादी सरगर्मियों के बारे में शौर बेदारी करना था। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होने वाले फ्लैग मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद कर रहे थे।
रिपोर्ट कर रहे हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पाकिस्तान सईद मदर अली शाह। मुल्तान से वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार का दौरा। 34 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 100 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। इन मनसूबों में रोड सेक्टर के 47, फराहमी निकासी आप के 23, तालीम के 9, हेल्थ के 6 और दीगर महकमों के प्रोजेक्ट से भी शामिल हैं। बेशतर मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह इन्हें जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। चेन्नई डॉक्टर एजाज अहमद ब्यूरो चीफ डिविजनल फैसलाबाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिली इंतजामिया और पुलिस मुतहरक, पुलिस और पाकिस्तान आर्मी का मुश्तरका ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक जिला भर में हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और पाकिस्तान आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च किया और DPO बिलाल जफर, डिप्टी कमिश्नर सईद मसऊद नोमान और आर्मी कर्नल आदिल महमूद की क्यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर DPO सीनियर बिलाल जफर का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इंतजामियों के साथ तआवुन करें। चेन्नई डॉक्टर एजाज अहमद ब्यूरो चीफ डिविजनल फैसलाबाद। कुछ दिन पहले एक सौतेले बाप ने कमसन बच्चे को सिर्फ फ्रूट खाने पर प्लास्टिक के पाइप से इतनी बेदर्दी से मारा कि इंसानियत काम उठी। इस वीडियो को देखकर हर इंसान की आंख नम थी। ये बाप नहीं जलाद बल्कि कसाब है। और तो ये कहानी संकर और वीडियो देख सुनकर और वीडियो देखकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इस पर पुलिस ऑफिसर को कॉल आई और ये सुनकर वो बच्चे के घर पहुंचा और बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और इसको खिलौने, फूल, फ्रूट और मिठाई लेकर दी और बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। और ऐसे पुलिस ऑफिसर की अजमत को सलाम पेश करते हैं। और इस पुलिस के महकमा में भी ज़्यादातर फरिश्ते सीरत इंसान मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे तमाम अफसरान को मजीद इज्जत और शान से नवाजे। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए आज का पाकिस्तान न्यूज़।